सत श्री अकाल जी सारे नूं तुहाडा जो डिजाइन बुटीक ते स्वागत है जी। पहला तो जिन्होंने मेरे चैनल सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल में सबसक्राइब कर लें ता जो आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन थोड़ा जल्द तो जल्द मिल सके। जी आप अज्ज की वीडियो थोड़े शेयर करांगे ये अपनी वाइट कलर की बेबी फ्राक से आप अज थानू दसांगे किस तरह तुसीं अपने घर पार्टी वेयर फ्राक तैयार कर सकते हो। जी आप अज फ्राक तैयार करनी है वो आप साल डेढ़ साल के बच्चे की करनी है तैयार, तो इस तो आइडिया लैके तुसीं अपने घर इस तरह फ्राक तैयार कर सकते हो। जिसका मेजरमेंट इस प्रकार है जी। जिहड़ी आपां बेबी गर्ल लई फ्राक तैयार कर रहे हैं उहदे लई आपां नूं फैबरिक की लोड़ आ, जिवें एक आ वर्क एक आ फैबरिक आ, इहदे विच आ देखो वर्क होया होया वा थोड़ा थोड़ा थ्रैड दा, इहदे विच सीपी लगी हुई आ। जिहड़ा आ वा इह मेरे कोल प्लेन नैट आ, इह आपां ने वाइट कलर की नैट लिती आ, ते जिहड़ा अपने कोल आ फैबरिक आ इह आपां सिंथेटिक फैबरिक आ, इह प्योर दे विच कपड़ा वा, इह वी आपां नीचे इहदी लाइनिंग यूज़ करांगे। जिहड़ा आ अपने कोल इह लैस आ इहदा आपां फ्लावर बना के दस्सांगे तुहानूं किवें आपां फ्राक दे उत्ते आपां लगा सकदे आ फ्लावर इहदा बना के। जिहड़ी अपनी फ्राक की लेंथ है जी वह आप 18 या 20 रखनी है, तो जिहड़ी अपनी बॉडी है उपरली जिहड़ा वह आप 7 इंच की रखांगे, जिहदी उहदी कटाई आप 8 इंच की करांगे, अद्धा इंच अपना उपर अद्धा इंच अपना नीचे सिलाई दे विच आउणा वा, इस करके आप 8 इंच की कटाई करांगे। ठीक है जी, बस इन्ना ही मेजरमेंट आप रखिया वा। जिहड़ी उहदी फ्राक की चौड़ाई है आप लै लईए बॉडी का पार्ट आप कमर तो चेस्ट तो आप 11 इंच रखांगे, इस हिसाब नाल अपना 11 ते डबल करके अपना 22 हो जूगा। ठीक है जी, डबल करके अपना 22 हो जूगा, ते वो अपन 22 सिंगल करके अपना 11 रखांगे। जेड़ा आपने आ कपड़ा लिता वा ये वर्क वाला कपड़ा वा, ते इनू आपने डबल फोल्ड कर लेना वा। डबल फोल्ड करन तो बाद जिहड़ा भी उपर अपने कोल एक्सट्रा कपड़ा वा इहनू आपां स्केल दी हैल्प नाल सिद्धा करके इहदी कटाई कर देनी आ। एक्सट्रा कपड़ा जिहड़ा सीगा उह आपां ने कट करता, उस तो बाद आपां ने आ देखो इतले पासे ना प्लेन आ कपड़ा इह, इहनू आपां छड्ड देना वा, ते इस तो अगे आपां निशान लगावांगे अपना 11 इंच तो अपने जेनिया की फिटिंग, तो आप 13 का निशान लगावे 13 इस हिसाब ना तुसी फोल्ड कर लेना वा। फोल्ड करन तो बाद मेरा किया हुआ वा, तो आपने बॉडी का 8 इंच उतारना वा उपरों। अठ इंच का निशान लगा देना वा, फिर आप स्केल की हैल्प नाल निशाना मिला देना वा, तो इधर पास अपना इतने तक 13 आ रहा सीगा क्योंकि इस तो अगे वर्क है नहीं गा, आ कपड़ा इधर प्लेन तो आप कटाई कर देनी है बॉडी की, जी फ्राक की बॉडी है वो अपने कटाई कर देनी है। इधर साइड से कपड़ा डबल सीगा इनू अपने कट लेना वा, हुण पल्लियां नूं आपां ने सिंगल सिंगल करके डबल फोल्ड कर लेना वा दोनों नूं ही। डबल फोल्ड करन तों बाद आपां ने उपर तीरे दा निशान लगाउणा वा, तीरे का निशान लगाना मैं 4 इंच रख रही हूँ उपरों, ये आप साल या डेढ़ साल के बच्चे की दसांगे फ्राक वो अकॉर्डिंग तुम। मैं उपरों शोल्डर 4 इंच लगा रही हूँ, मैं ये साल डेढ़ साल के बच्चे की फ्राक बना रही हूँ वो अकॉर्डिंग मैं लगा रही हूँ निशान, तुम आप अकॉर्डिंग जो बच्चा व्डा वा तो उस अकॉर्डिंग भी लगा सकते हो। तो नीचे मैं जी बह वा मोढ़ा कह लो वह भी मैं 4 इंच से लगा रही हूँ, इन्हों आपने इतों भी 4 इंच लेना वा, तो इधरों भी अपन 4 इंच लेना वा, तो इनू आपने सर्कल कर देना वा। पहला स्क्वायर कर लिया मैं, आ देखो स्क्वायर करन तो बाद इनू इत्थे हल्की जी गुलाई दे देनी है, जे तुसी इत्थे निशान लगाना वा इंच का बस इत्थे आपने इंच ते गुलाई दे देनी है भी
ये अपने मोढ़ियां दा कपड़ा इधर मोढ़े आ जाएंगे अपने, ये अपना मोढ़ियां की कटाई करती। ठीक है जी, इस तो बाद आप गलियां की कटाई करांगे। जिहड़ा मैं गला रख रही हाँ वो डेढ़ इंच इधर नूं रख रही हाँ, तो डेढ़ इंच दो इंच मैं नीचे रख रही हाँ। तो इत्थे आपां फेस स्क्वेयर कर देना वा, फिर इहनूं हल्की जी गुलाई दे देनी आ नैक नूं। आपां दोनों पल्लियां नूं कट्ठियां नूं कट रहे हाँ, फ्रंट भी तो बैक भी। जिहड़े बच्चियां दे ने इहनां दे कट्टां नहीं पैंदियां हैगियां ना फ्रंट ते ना बैक ते, क्योंकि हल्की जी तुसीं पाउणी आ तां हल्की जी पा सकदे आ, अदरवाइज़ मैं नहीं पा रही। लेकिन मैं जिहड़ा इहदा फ्रंट नैक आ उहदे उत्ते मैं हल्की जी अद्धा क इंच दी काट होर पाऊंगी नैक ते, ओनली नैक ते, वह भी फ्रंट वाले ते। आ देखो अद्धे इंच की आपने ये कटाई करती। हूँ आप नीचे लगाने लाइनिंग कटते हैं, तो हूँ आप जी आप नीचे लाइनिंग लगानी है आप लवेंगे। लाइनिंग लिए आप सेम फिर 13 इंच चौड़ाई तो 8 इंच आप लंबाई लवेंगे। कन्नी को देखो कन्नी है ये तो कोलों आपने 13 इंच का निशान लगा लेना, 13 का, तो फिर अगेन 13 का निशान लगा के आपने इतने नीचे निशान लगाया वा, इतों कपड़ा फड़ लेना वा। जोड़ा एक्सट्रा कपड़ा वा वो तुम उतार सकते हो, तुम स्केल की हेल्प न उतारना, स्केल की हेल्प न उतार लियो। इस तो अगे नैक्सट आपने फिर 8 इंच का निशान लगाना वा बॉडी लिए, आप इतने भी 8 इंच का निशान लगावे। इनू आप इंच टेप की हेल्प न निशाना मैच कर लेना वा। मैच करने बाद आ देखो जिते कन्नी आ इतों आपने कटाई कर देनी, फिर आपने इस सैड कटाई कर देनी, फिर अगेन फिर पल्लिया आपने इधरों करता अलग, इधरों आप सिंगल सिंगल कर ले पल्ले दोनों ही। लाइनिंग आप बॉडी की कट्टन तो बाद जी आप बॉडी कट्टी आसे उपर ही रख लेना वा, ये उपर रख के कटिंग कर देनी है। आ देखो पहले आप मोढ़े की कट कट देनी है, फिर आप नैक दी जी आप फ्रंट नैक अद्धा इंच डाउन किया वा वो आप अलग तो आपने जो बैक पल्ले ने वो एक साइड कर देने, जोड़ा अपना फ्रंट पल्ला वा उन्होंने फिर वो रख के उस तो बाद आपने जो फ्रंट नैक लाइनिंग की भी कटाई कर देनी, जो अद्धा इंच आप डाउन किया कटाई भी कर देनी है। दोनों पल्लों की अपनी फ्रंट बैक की कटाई होगी। इस तो बाद जो आपने बैक पल्ला वा वो उत्ते आपने हुक लगानी है, हुक लिए आप 2 इंच की इतने कटाई करा, तो निशान लगा के बैक पल्ले उत्ते सेंटर के जिथे आप नैक आ 2 इंच की निशान लगा के काट पा ए कट कर लेना वा, हल्का जहा कट 2 इंच का पा लेना लाइनिंग भी, तो उपरला जोड़ा अपना फैब्रिक ये भी। ये पल्लियां की कटाई अपनी होगी। जी नीचे फ्लेयर बनानी है फ्राक, अपन ने जी फ्राक नीचे फ्लेयर बनानी वो अपना नैट का कपड़ा लिता वे, ये अपना 1.5 मीटर अपने को कपड़ा। सब तो पहला आपने ये कन्नी उतारनी है, ये आपने कन्नी उतार लेनी है। कन्नी उतारन का मतलब यह है कि अपने ना कपड़ा जोड़ा नीचे फ्लेयर ये कट्ठी ही नहीं होगी, ये ना खिंच पैंती है कन्नी नाल, तां करके अपने सारी उतार लेनी है कन्नी। कन्नी कटने तो बाद आपने इंच टेप इतने रख के अपन 13 के निशान लगा लेना, 13-13 के निशान लगा के अपने सारा ही कपड़ा 1.5 मीटर जोड़ा वो अपने उतार लेना वा। इन अपन डबल उतारना वा, एक ये हो गया, एक ये होर आप उतारांगे पल्ला। एक अपन नीचे फ्लेयर लिए एक तो आपने उतार लिया कपड़ा लाइन नैट का, एक अपने आ फ्लेयर लिए आप डबल फ्लेयर लगावे, ये आप नीचे लगाने लाइनिंग कटांगे। हम ये अपने दोनों हिस्से फ्लेयर के एक आप एक पासे करके हम आप लाइनिंग कटते हैं। आपने फ्लेयर नीचे लाए आप जी लाइनिंग लाइनी है
उसके लिए अपन ने कपड़ा यूज करना वा अगेन आप एक्सट्रा कपड़ा जरा उतार देंगे उतारन तो बाद आपने वो 13 इंच की आपने चौड़ाई कट्टी सी तो आप हूँ यदि 12 इंच की करांगे चौड़ाई ये भी कपड़ा अपना डबल फोल्ड तो आपने 13 इंच की वो फ्लेयर अपनी आप 12 इंच की कटाई करांगे तो 11 अद्धा इंच अपना इंच आप कह दिए भी अपना सिलाई बच्चे आ जाना वा तो आप इस करके 12 इंच की आप कटाई कर लेनी है सारी की हूँ आप स्केल की हेल्प नाल निशाना मिला देना वा निशान मिलाने तो बाद आपने इन्हों की कटिंग कर देनी है लो जी ये अपने नीचे फ्लेयर नीचे लाइनिंग होगी तुसी आप दे रिकॉर्डिंग ज़्यादा भी लै सकते हो मैं थोड़ी लाइट वेट फ्रैक बना रही हूँ इस करके मैं घट लै रही हूँ तुसी ज़्यादा फुल हैवी करनी है तो तुसी कपड़े फ्लेयर 3 भी ला सकते हो 4 भी ला सकते हो लेकिन मैं डबल लेयर की बनाऊँगी फ्रैक तो आप उस रिकॉर्डिंग थोड़ा दसूँगी ये फ्रैक थोड़ी लाइट वेट होगी ईजी पै जूगी ज़्यादा वेट नहीं होगा फ्रैक का तो अपने बॉडी पार्ट होगी उपरले ये अपनी नीचे दी फ्लेयर लगनी है लाइनिंग लगनी है चलो जी आ जाओ मशीन पर सब तो पहले आप बॉडी की प्रो स्टिचिंग करा तो ये आप अपना वर्क वाला देखो कपड़ा वा बॉडी का जरा सीपियां ने लगे हुई ये आप उपर रखना वा तो ये उपर आप लाइनिंग रख देनी है देखो लाइनिंग सैट करके रख देनी है जो तुम पेंसिल लगाने पेंसिल लगा सकते हो इस तो बाद आपने इतों सिलाई स्टार्ट करके आए सारी शोल्डर से हिंदी भी नैक करके शोल्डर से फिर आप फिर इतने नीचे मोढ़े पर आ जाना जी आप सिलाई लगानी है आप पैर पैर की लगानी है इतने जेकर तुम निशान लगा के करना निशान लगा के कर लियो जे अंदाजे ना कर सकते हो तो अंदाजे ना कर लियो आ देखो जिम्मे पैर है ना ये इस हिसाब न बस एक एक पैर का आपने सिलाई लगानी है सिलाई लगा के आप एक पास कर लेना आ देखो मैं उपर उपर लगाई आप नीचे नहीं सिलाई लगानी ये आप बाद लगावे तो इस तो बाद आप बैक जो पला वा अपना वो भी आप सेम उमी रख्या हुआ वा देखो बैक पला भी आपने उमी सीपी वाला कपड़ा आपने जोड़ा वर्क होया हुआ कपड़ा उन्होंने उपर रख्या वा तो लाइनिंग आप उत्ते रखती सेम आप जिमें फ्रंट का आपने सीन लगाई है उमी आप बैक भी लगावे शोल्डर तो स्टार्ट करके ये तो भी आपने उपर उपर ही सीन लगाई है नीचे आपने फिर नहीं ये सीन लगाई ए तो बाद हूँ आपने इनू सारे ऐ पलटा देना वा आ देखो इतों मोढ़े निकले आने पेन पेंसिल ना तो आपदी हेल्प न पेंसिल ना आ देखो मैं पेंसिल ना कर रही हूँ ये दोनों फ्रंट बैक आप दोनों ही सेम आई करना वा हाँ जी आप दो पलियां पलटा लिया देखो सीधे कर लिया इतने अपने सीन है नहीं गी ये उपर सीन लगी हुई है तो हूँ आप इन्होंने दोनों पलियां प्रेस करा इनू भी तो आप फ्रंट के बैक दोनों प्रेस करके हम प्रेस मारन तो बाद अपना पला सीधा हो गया फ्रंट भी तो बैक भी हूँ अपन जितों देखो सिलाई नहीं किया इतने आप कच्ची सिलाई मारांगे सारी बखिया वड्डा कर लिया अपने वड्डे बखिए की आप सिलाई लगा सिलाई लगाने तो बाद हूँ आप इतने का सेंटर कर लेना वा सेंटर करके आप जी फिटिंग देनी है वो अपनी 11 इंच आ 11 का अद्ध हो गया 5.5 तो आप 5.5 से निशान लगा लेंगे इतने भी आप 5.5 तो इतने भी आप 5.5 जे इतों हल्की जी तुसी देनी है सिलाई बिचों थोड़ी जी पैरक दी कर सकते हो लेकिन बच्चों की कोई फिटिंग नहीं होंगी हैगी इस करके आप मैं तो 5.5 से ही निशान लगाए ने तो इधर तुसी आ देखो फिंगर रख के इनू इस हिसाब ने इधर लगा सकते हो निशान आए इन निशाना अपने मैच कर देना वो मैच करन तो बाद पैर पैर की सिलाई आपने उपर लगानी है शोल्डर से दोनों जो आप मैच करना वा देखो हम अपना
बैक रख लिया, उपर आप फ्रंट रख के पहला आप शोल्डर मैच करांगे। सिलाई में पक्का कर देना वे अपने ता जो शोल्डर की जी अपनी सीन है ना उधड़ ना सके, इस करके अपने हम आप इतने सिलाई मारन की लड़ नहीं गई, अपना पहले ही कपड़ा मुड़िया हुआ वा। बस आपने हम फिटिंग के निशान लगाने। हाँ जी आप दोनों पासे सिलाई लगा ली, हम आप उल्टा के सीधा कर लाँगे बॉडी में, अपनी बॉडी तैयार होगी। इन एक पास कर देना लाइनिंग की आप जी फ्लेयर बनानी है तो वो नीचे आप पहला लाइनिंग लगानी है, वो आप लाइनिंग थोड़ा जहा फोल्ड करा, मैं हल्का जि अद्धे एक इंच के हिसाब न बस फोल्ड कर रही हूँ। सारे आप नीचे सिलाई लगा लेनी है, जोड़ा आप नीचे पला छोटे छोटे बल आप सारे इतने पाई जाने, सारे घेर च अपन छोटे छोटे बल पा देने। हाँ देखो आ बल पै गए अपने, हूँ आप इन्होंने ये मैच कर लेना वा। आ सिलाई इतने आप साइड वाली सिलाई जिन्होंने कहने अपने ये सिलाई मार देनी है, इतने पक्की करती है सिलाई। ये आप नीचे लाइनिंग लगानी है वो अपने लिए आप तैयार कर ली, तो हूँ आप जी उपर आपने फ्लेयर आ नैट की बनानी है, ये भी आप सेम ही छोटे छोटे बल पाने, जिमें आप ये पाए ने बल उमी आप पाने, ये आप दोनों फ्लेयर के उ बल सेम ही आए पाने छोटे छोटे छोटी जी बल जिन्हें कहने हल्के हल्के भी पाई जाने आप बल। तीन लेयर तैयार ने, एक आ नीचे आप लाइनिंग, ये तिने अपने तैयार ने। हूँ आप नीचे मैं इतने वो लाइनिंग नीचे तो मैं सिलाई लगा ली, लेकिन मैं ये नीचे सिलाई नहीं लगाई हैगी, हूँ आप इनू इस तरह ही छड़ देना वा, ये नीचे आप लैस लगावे सेम जिमें आप इन बल पाए ने उमें आप लैस के बल पाने सारी के बिच। ये भी जी अपन लैस आई भी नैट च ही है, ये आप सारी चाह देखो सिलाई लगा ली, तो हूँ आप इतने सिलाई लगा जिथे आप सिलाई लगाई है, ये नीचे आपने जी सब तो उपरली लेयर अपनी वो अपने उपर रख के लगानी है, उपर रख के अपने सिलाई लगा देनी है सारी लेयर च। हाँ देखो हूँ आपने इतने सिलाई लगा इनू नीचे कर देना, आ लैस में उपर रख लेना वा, इतने अपन देखो लैस अपनी लग गई हूँ आप कट लगा। हाँ देखो अपनी नीचे वाली फ्लेयर है जी वो अपनी इस हिसाब न बन जानी है। आप बॉडी के नाल अटैच कर देना वा, हाँ देखो आ बॉडी लगन तो बाद अपनी फ्रॉक इस तरह बन गई, जिहड़ी अपनी नैट की लैस आ आप सेम उमें आ देखो ये बल पाए हुए हैं जिमें आप पहला बल पाए ने ये आए इस तरह आप पाया। हूँ आपने इनू सूई धागे की मदद नाल हेल्प नाल आपने इनू आए फ्लावर बनाई जाना वा, वो तुम आप रिकॉर्डिंग जिन्ना भी चाहते हो उस हिसाब नाल आ देखो आए फ्लावर बनाई जाना, मैं आ फ्लावर तैयार किया वा। आ देखो ये हूँ तुम चाहो तो इतने लगा सकते हो, चाहो तो तुम इतने कमर से लगा सकते हो, मैं कमर से लगा रही हूँ इतने, हूँ आप सूई धागे की हेल्प नाल इनू कमर से अटैच करांगे। फ्लावर लग गया, आ देखो मैं पिछे वो भी लगाई है ये आप पिछे आ हुक भी लगा दिती है, तो ये फाइनल लुक आ वा। आ देखो जी बनन तो बाद अपनी फ्रॉक की लुक आ रही है, तो ये जिमें मैं इतने एक फुल लगाया तो तुम छोटा वाटा करके दो फुल भी लगा सकते हो, वो तुम आप रिकॉर्डिंग लगा सकते हो, तो ये फ्राक पूरी पार्टीवेयर बनी है, तो तुम इस तरह घर अपनी पार्टीवेयर फ्राक तैयार कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें अज की वीडियो बहुत ज़्यादा वधिया लगी होगी, जो वीडियो वधिया लगी हो प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब कर लियो तो जो आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन थोड़ा मिल सके। अज की वीडियो देखने धन्यवाद जी, मिलते हैं जी नैक्सट वीडियो के।